आपको एक बात बताना चाहेंगे, अगर आप अभी तक फ्लिपकार्ट का उपयोग सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ को मंगवाने के लिए करते थे, जैसे कि अगर आपको शॉपिंग करना है, आप फ्लिपकार्ट का उपयोग शॉपिंग करने के लिए ज़्यादातर करते रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपसे बहुत अच्छा काम बनने लगेगा। यानी कि अगर आपको देखिए रिचार्ज करना है या फिर बिल पेमेंट करना है, वो कैसे कर पाएंगे इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको कम्प्लीट जानकारी की कोशिश भी करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, आपको फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है। आप फ्लिपकार्ट को ओपन करिए, आपको इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको बिजली का बिल कैसे भरते हैं वो जानकारी देने वाले हैं। यानी कि अगर आपको बिजली का बिल बकाया है उसको आपको पेमेंट करना है, कैसे करेंगे इस वीडियो के अंदर जानकारी मिलने वाली है। तो उसके लिए आपको फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर देखिए बाएँ साइड में सबसे ऊपर तीन लाइनें दिखाई दे रही हैं, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली यहां पर देखिए बिल्स एंड रिचार्जेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको बिल्स एंड रिचार्जेस में क्लिक कर देना होगा। आप यहां पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर देखिए ऐसा इंटरफेस ओपन होता है, जो भी ऑफर चलता है यहां पर ऊपर आ जाएगा। जैसे कि यहां पर देखिए रिचार्जेस एंड बिल पेमेंट्स में आपको 10 सुपर कॉइन्स मिलेंगे अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं 50 रुपये से ज़्यादा का। बहुत अच्छा दोस्तों अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे कॉइन्स अर्न करने के। तो आपको देखिए बिजली बिल पे करने के लिए सिंपली इलेक्ट्रिसिटी में क्लिक कर देना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है या फिर डीटीएच रिचार्ज करना है या फिर आपको गैस का बिल बकाया उसको पे करना है, फिर वाटर का पानी वाला बिल बाकी वो भी आप कैसे भरेंगे, उसके यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मोबाइल रिचार्ज के लिए आपको मोबाइल रिचार्ज में क्लिक कर देना होगा, डीटीएच रिचार्ज करना है तो आपको डीटीएच में क्लिक करना होगा, अगर आपको ब्रॉडबैंड का रिचार्ज करना है उसमें क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिजली बिल, यहाँ पर देखिए आपको बिजली का बिल भरना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी में क्लिक करना होगा। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको बताना चाहेंगे। यहां पर देखिए ऑपरेटर लिखा है दोस्तों, यहां पर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, यानी कि दोस्तों कुछ ये हो सकता है कि मिस भी हो गए हों, वो धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जहाँ से आपका कनेक्शन आपको यहाँ पर डालना होगा। जैसे कि देखिए मेरा जो है मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर देखिए मध्य जैसे लिखने की कोशिश करें यहाँ पर आ जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों हम जैसे लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के जितने भी ऑपरेटर्स हैं यानी कि विद्युत वाले वो सभी आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अपने यहाँ पर डालेंगे मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र रूरल, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर कंज्यूमर नंबर या फिर IVRS नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। दोस्तों होता क्या है, कभी कभी अगर आपका किसी दूसरे में कनेक्शन है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मेघालय पावर डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कनेक्शन है, यहाँ पर आपको कंज्यूमर नंबर डालने के लिए बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए अगर आपका नोएडा पावर में, आप यहाँ पर कंज्यूमर नंबर के बोला जाएगा। इसी तरह से देखिए अगर आपका किसी दूसरे में है तो हो सकता है कुछ आपसे दूसरा ऑप्शन मांग ले, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा आपको अभी दिखाई दिए हैं यहाँ पर जो है ऑप्शन कंज्यूमर नंबर या फिर IVRS नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। हम यहाँ पर अपना IVRS नंबर या फिर कंज्यूमर नंबर एंटर कर देंगे, जो भी लिखा हुआ आएगा हमारे बिल में रहता है। कभी कभी होता क्या, देखिए आपको पता नहीं होता कि आपका कंज्यूमर नंबर कहाँ है, तो दोस्तों आप बिजली बिल में देखेंगे तो लिखा रहता है, आप उसे डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम अभी डाल देते हैं 5345072211। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम डाल चुके हैं, अब हमें रिचार्ज नाउ में क्लिक कर देना होगा। हम रिचार्ज नाउ में जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर जितना भी अमाउंट बाकी है यानी कि बिजली का बिल जितना हमारा बकाया है यहाँ पर शो हो जाएगा। हमें इसको पेमेंट करने के लिए हमें कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। हम यहाँ पर कंटिन्यू में जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अगली बार जब आपका बिल जारी हो आपको रिमाइंडर आए, यानी कि फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको रिमाइंडर आए, उसके लिए आपको यहाँ पर सही टिक मार देना है। अगर आपको चाहते हैं कि आपको दूसरी बार यानी कि बिल पेमेंट का रिमाइंडर ना हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर अनटिक कर देना है। इसके बाद आपको पेमेंट में क्लिक करना होगा, यानी कि मेक पेमेंट में क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर मेक पेमेंट में क्लिक करिएगा, यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपने ATM कार्ड का नंबर डालना होगा या फिर क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना होगा। फिर आपको यहाँ पर एक्सपायरी मंथ डालना है, यहाँ पर ईयर डालना है, यहाँ पर CVV नंबर डाल देना है। फिर आपको प्रोसीड टू पे में क्लिक करना है, एक OTP आएगा उसके द्वारा पेमेंट कर पाएंगे। अब आपको और बता देते हैं, अगर आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है तो आपको नेट बैंकिंग में क्लिक करना होगा। अगर आपके पास UPI ID है आप UPI ID में क्लिक कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर VPA डालना है यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डालना है। फिर आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ से आप पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको जानकारी समझ में आई है तो अपने 3 दोस्तों को आप
शेयर करिए। सिर्फ दोस्तों 3 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। उसके अलावा अगर आपको कुछ जानकारी मिस हो गई है यानी कि समझ में नहीं आई है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज रह गया हो, आप कोई भी डाउट है आपका, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो को करेंगे समाप्त, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।